अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी भी उठी हूँ और बस कल का ब्लॉग अपलोड कर रही थी और अब चलते नीचे नाश्ता वगैरह करते। बहुत थक गई थी रात में, दवाई खा के फिर सोई। चलते फिर हम अब आ गए हैं किचन में और अब हम बना रहे हैं लौकी। तो मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं और टमाटर काट दिए हैं, लौकी भी कट गई है। तो अब आगे आगे देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे। फ्री होके मिलते हैं आपसे। बना ली है मैंने चाय क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ ब्राउन हो रहे प्याज क्योंकि मेरी आज बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत नज़ला हो रहा है। गरम गरम चाय पीती तो शायद ठीक हो जाए। मेरी पहले तो नाक सुबह में बंद थी, बाम लगा लिया मैंने नाक पर, नाक तो खुल गई थी लेकिन अब रुक नहीं गई। बहुत नज़ला हो रहा है, जब तक मैं नज़ले की दवाई नहीं लूँगी ना तब तक ठीक नहीं होगा। वैसे ही मुझे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी और बढ़ जाएगी। बने देखिए गाइस, मैं बना चुकी हूँ लौकी। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया कमेंट में ज़रूर बताएं। गाइस अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और खाना वाना तैयार हो चुका है। तो दवाई भी खा ली क्योंकि नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है कल की वजह से। कल कपड़े धोए थे, मेरे साथ यही मसला है जब मैं कपड़े धोती हूँ, झाड़ू लगाऊँ या फिर कोई भी डस्टिंग वगैरह करूं तो मुझे फिर नज़ला स्टार्ट हो जाता है, और ना भी करूं फिर भी हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं फिर दवाई वगैरह खा लेती हूँ फिर ठीक हो जाती हूँ एक दिन के लिए बस, फिर दूसरे दिन दोबारा से नज़ला। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि कल हमने देखा न्यूज़ वगैरह में बता रहे हैं कि 9 बजे सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे। क्यों? अभी तो कोई वबा नहीं है, अभी तो कोई बीमारी नहीं है, 9 बजे क्यों? वैसे ही इतनी महंगाई हो गई है, गरीब अमीर तो चलो मर ही रहा है भूख से, गरीब ज़्यादा मर रहे हैं, लोग खुदकुशी करने पे आ गए हैं। कि बच्चा, गरीब का बच्चा तो दूध नहीं पीता बाहर से लेकर, वो तो खाने के लिए भी अब तरस रहा है बेचारा। जो मज़दूर हैं जो हफ्ते में 1000-1500 रुपये कमाते हैं, वो बिजली भरे, गैस भरे, खाना खाए, क्या करें? सारी चीज़ें तो महंगी हो गई। तो ये हमारे अमाल, जो हमारे अमाल है ना, ये उसकी वजह से होता है। क्योंकि इस्लाम में भी है कि जैसे हम होंगे ना वैसे हमारे हुक्मरान होंगे, वो हम पे हुकूमत कर रहे। देखे ना, चोर हम पे हुकूमत कर रहे क्योंकि चोरी कम है, डकैती कम है, गुंडागर्दी कम है हमारे मुल्क में। जितनी अब बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, किसी से कार छीन रहे, मोबाइल छीन रहे, बाइक छीन रहे, पर्स छीन रहे, मोबाइल, हर चीज़ छीन रहे। इतना चोर हो गया है पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की ही अवाम है ना, मतलब चोरी आम हो गई है, चोर भी हम पे हुकूमत कर रहे, चोर ही हम पे हुकूमत कर रहे। जिसके पास बाइक है बेचारों के पास, वो अपनी अपने ऑफिस तक कैसे जाए, बाइक पे ही जाते हैं। जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल मिलता था 1 लीटर, 200 से ऊपर हो गया पेट्रोल 1 लीटर। तो वो बेचारा कमाए खाए या पेट्रोल डाल के ऑफिस खुद को पहुँचाए। दाल महंगी, चावल महंगे, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है, तेल महंगा, दूध महंगा, दही महंगा, हर चीज़ महंगी है। इंसान कह रहे कि हम खुदकुशी करें तो मौत भी महंगी है, अब तो कब्र भी लाखों रुपए में खुदती है। अब कहाँ जाए, क्या करे, आवाम बेचारे सोच सोच के पागल हो गई। ये नहीं कि रोड पे निकले भाई, आवाम खुद बिजी है बेचारी, कभी आमे लियाकत के ऊपर,
वीडियो बना रहे, कभी दुआ जारा के ऊपर वीडियो बना रहे। उनको तो खुद समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। भाई छोड़ दो लोगों का पीछा, अपने बारे में सोचो। हुकूमत हमारे बारे में सोचेगी नहीं, ना कोई तीसरा बंदा हमारे बारे में सोचेगा। हमें जो करना है वो खुद करना है। जब टीवी ऑन करो तब ये चीज़ महंगी, वो चीज़ महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। अभी भी टीवी ऑन करूँगी ना तो यही चीज़ें आएंगी। इससे दिल है ना भर चुका है अब टीवी से, दिल करता ही नहीं है टीवी ऑन करे, दिल करता है बस टीवी बंद रहे। तो बंद रहने से ना टेंशन कम रहती है। जहाँ टीवी ऑन होता है ना वहाँ टेंशन स्टार्ट, किसी को हो ना हो मुझे ज़्यादा टेंशन होती कि यार ये चीज़ महंगी हुई, अल्लाह ये चीज़ महंगी हुई। हालांकि बाज़ार में नहीं जाती, लेकिन उन गरीब लोगों का मेरे दिमाग में अचानक से वो आ जाता है ख्याल कि यार गरीब लोग क्या करेंगे, जो मजदूर है। सबसे ज़्यादा मजदूरों के बारे में मेरे मुझे बहुत ख्याल आते कि यार जो मजदूर है वो क्या करेंगे, जो हफ्ते में 1500 रुपये कमाते हैं वो क्या करेंगे। अभी भी टीवी ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या देखते हैं ना, यही आ रहा होगा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने ये महंगी कर ली। बड़ी मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब की। जब लोगों को इमरान खान बहुत बुरा लग रहा था, जब पेट्रोल पे 1-2 रुपये बढ़ रहे थे, अब कितने बढ़ रहे, 20 रुपये, 15 रुपये, 60 रुपये, अब सबको शहबाज शरीफ अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लगना भी चाहिए, वैसे हमारी ही गलती है। रात में टीवी ऑन करो तब भी यही खबर मिल रही होती है, बाजार इतने बजे बंद होंगे, हॉल्स इतने बजे बंद होंगे। भाई शादी करेगा कौन इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई में बाजार जाएगा कौन, क्या कमाएंगे दुकानदार, जितनी इतनी जल्दी से बंद करवा रहे हो दुकानें, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। ये ना हमें खुद को भी ना पूरे मुल्क को जितनी भी दुकानें ना सब बंद कर देनी चाहिए, सब कुछ बंद। जब बंद होगा हुकूमत के बाद हमारी भी गलती है ना, जैसे पेट्रोल महंगा होता है पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि जैसे दूसरे दिन पेट्रोल इनको सस्ता मिलेगा। ये देखिए शहबाज शरीफ, महंगाई महंगाई अपनी जगह, पेट्रोल अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह, हुकूमत अपनी जगह। हमें तो सिर्फ और सिर्फ देखना है डोरीमोन। जब डोरीमोन आ जाए ना टीवी पर सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती है मेरी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है डोरीमोन। तो अब देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई आज का मौसम कुछ ऐसा है, और अभी हो रहा है मगरिब का टाइम होने वाला है, तो 7:10 हो रहे हैं, 7:15 हो जाएगी मगरिब। तो बस आज हवा तो नहीं थी, लेकिन आज बहुत गर्मी थी, आज बिल्कुल भी हवा नहीं थी, हब्स था बिल्कुल। शायद बारिश का इम्कान है इस वजह से। कोई बेचारे को गर्मी लग रही है। आप लोग भी परिंदे वगैरह के लिए पानी रखा करें, ये बहुत सवाब है, क्योंकि उनको कौन देने वाला है पानी वानी, खुद तो बेचारे कह रही थी कि बेचारे परिंदे खुद तो पानी पी नहीं सकते, भर नहीं सकते, तो आप लोग उनका बहुत ख्याल रखा करें परिंदों का, क्योंकि वो खुद नहीं पकड़ सकते बेचारे कोई, जैसे हमें अल्लाह पाक ने हाथ दिए वो तो बेचारे परिंदे हैं। तो आप लोग रखा करें पानी अपने छत पर, खिड़की के बाहर, जहाँ भी जगह मिले वहाँ रखा करें, हम भी रखते हैं छत पर। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि बहुत कम है सब्सक्राइबर, 30 या 29 है। सपोर्ट करें प्लीज़, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।